आपको शायद पता हो जैन धर्म के मुख्य 5 सिद्धांत है। मैं आपको आज बताऊंगा, समझ लेना, जैन धर्म के मुख्य 5 सिद्धांत है, और वही 5 सिद्धांतों का पालन करते करते संसार की 5 अमूल्य चीजें हमें प्राप्त होती है। यदि हम ये सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो निश्चित तौर पर समझ लेना हमें ये संसार की 5 अमूल्य चीजें जो पैसों से नहीं मिल सकती, जो पद से नहीं मिल सकती, जो प्रसिद्धि से नहीं मिल सकती, जो प्रतिष्ठा से नहीं मिल सकती, वो हमें प्राप्त नहीं होगी। यदि ये 5 चीजों को हमें प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर जैन धर्म के मुख्य 5 सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। पहली बात समझ लेना, यदि आप स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो, आज संसार में हर एक व्यक्ति इसलिए भाग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। पहला सुख निरोगी काया। हम समझते हैं, हम सीखते हैं, हमारे यहां पर भी लिखा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से योगा तो धर्म की आराधना होगी, तो तब होगा तो त्याग होगा तो धर्म आराधना हम कर पाएंगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, समझ लेना, संसार की अमूल्य 5 चीजें और जैन धर्म के 5 सिद्धांत यदि हम समझ ले तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए, वह चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो निश्चित तौर पर समझ लेना आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। जैन धर्म का पहला सूत्र, पहला सिद्धांत अहिंसा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन भर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, यदि आप चाहते हो आपका स्वास्थ्य मजबूत रहा करे, तो समझ लेना अहिंसा का पालन करना होगा। जो जो व्यक्ति जीवन में हिंसा को आचरित करता है, जीवन में हिंसा को लाता है, कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर गड़बड़ होता है। आप देखना, आज से पहले संसार में इतने रोग नहीं थे, इतने दर्द नहीं थे, इतनी पीड़ाएं नहीं थी। ऐसे ऐसे भयानक रोग हमारे सामने न आते थे जिसका नाम शायद हमने जीवन में सुना ना हो, जिसके लिए मेडिकल साइंस ये कह देता हो कि हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं है। ऐसे रोग आज से 50-100 साल पहले नहीं सुनाई देते थे, क्योंकि उस समय हिंसा कम थी, आज हिंसा बहुत ज्यादा है। आज व्यक्ति के जीवन में हिंसा है, सामाजिक तौर पर हिंसा होती है, सरकारी ओर से हिंसा होती है, कत्ल खाने चलते हैं, लोग अपने जीवन में आनंद लेने के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं, उसको मारते हैं। और एक चीज समझ लेना, यदि आपने आपके आनंद के लिए जीवन में किसी की हिंसा करी है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता, यह निश्चित तौर पर समझ लेना। आपको शायद पता ना हो, आज से 100 साल पहले भूकंप नाम की कोई चीज नहीं थी। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले सुनामी का शब्द किसी ने सुना नहीं था। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले इतना तूफान नहीं होता था। आज हर चीज हो रही है, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, बारिश होती है इतनी ज्यादा हो जाती है, नहीं होती है तो जरा भी नहीं होती है, हर चीज डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू हिंसा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जीवन की 5 अमूल्य चीजें यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, परमात्मा महावीर के बताए हुए ये 5 सिद्धांत ऐसे है, 24 तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए ये 5 सिद्धांत ऐसे है जो आपको जीवन की 5 अमूल्य चीजें प्राप्त करवा दे। और मात्र जैन धर्म कहता है उतना नहीं, हमारे यहां तो हिंदू धर्म में भी इतना लिखा गया, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी कबहु न त्यागिए जब लग घट में प्राण। हिंदू धर्म भी ये कहता है कि धर्म का शुभारंभ तो दया से होता है, परमात्मा महावीर भी ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, और वही रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी भी ये कहते हैं कि अहिंसा का मार्ग ही श्रेष्ठ है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, संसार की पहली अमूल्य चीज जिसके लिए लोग लालायित है, जिसके लिए लोग भागते हैं, जिसके लिए आप सालाना लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं परमात्मा महावीर का जैन धर्म का पहला सिद्धांत अहिंसा, यदि आपने आपके जीवन में उतार लिया निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी बात, दूसरी अमूल्य चीज संसार में, ये 5 चीज ऐसे है जो हर व्यक्ति पाना चाहता है। व्यक्ति चाहता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, व्यक्ति चाहता है मेरा शब्द अच्छा हो,
हर एक व्यक्ति की यह कामना है कि मैं जो बोलूं वो सामने वाला मान ले। आप भी ये चाहते हो कि नहीं चाहते? आप यदि किसी को कुछ कहो वो एक्सेप्ट करे, वो स्वीकार करे, आप चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे शब्दों का प्रभाव हो, मेरे शब्दों में वेट हो, मेरे शब्दों में कुछ वजूद हो? आप भी चाहते हो। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो तो अहिंसा का सिद्धांत अपना लो, और यदि शब्द अच्छे चाहते हो तो सत्य का सिद्धांत अपना लो। जैन धर्म का परमात्मा महावीर का दूसरा सिद्धांत सत्य के मार्ग के ऊपर चलना। और इसलिए महात्मा गांधी ने जब अपनी जीवनी लिखी, अपने जीवन का पुस्तक लिखा, अपने जीवन का वृत्तांत लिखा, उसका नाम उन्होंने लिखा सत्य के प्रयोग। आपके शब्द की ताकत यदि आप चाहते हो तो सत्य को पकड़ लो। असत्य वाले के शब्द की ताकत कभी नहीं बनती। हमने देखा है गुरु प्रेम को, जो वचन सिद्धि उनके पास थी वो कह देते थे, मुख से एक बार जो निकल जाता था वो निश्चित तौर पर हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि शायद उन्होंने जीवन में असत्य का आशय कभी न लिया होगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि आपके शब्द लोग सुने, यदि आप चाहते हो कि आपके शब्द में मौजूदगी हो, यदि आप चाहते हो कि आपके शब्द वजनदार हो, तो समझ लेना निश्चित तौर पर परमात्मा महावीर और जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत सत्य का हमें स्वीकार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो अहिंसा को स्वीकार लो, शब्द अच्छे चाहते हैं तो सत्य को स्वीकार लो। और हमारे यहां तो बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान होता है, जब जब भी आप सत्य के मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश करोगे, जब जब भी सत्य को जीवन में लाने की कोशिश करोगे, जब जब भी सत्य बोलने की कोशिश करोगे, तो आप परेशान जरूर होगे लेकिन समझ लेना जीवन से पराजित नहीं होगे। और इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भगवान महावीर के पांच सिद्धांत आपको संसार की सबसे पांच अमूल्य चीज दे सकता है। स्वास्थ्य चाहिए, अहिंसा को पकड़ो। शब्द अच्छे चाहिए, सत्य को पकड़ो। तीसरे नंबर में कहा कि सौभाग्य अच्छा चाहिए। सौभाग्य यानी क्या? आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पैसे, आपका यश। आदमी चाहता है मेरा यश चारों ओर हो, आदमी चाहता है मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। सौभाग्यशाली जो व्यक्ति होता है वो जीवन में कहीं परेशान नहीं होता। अरे वो जहां जाता है वहां हर चीज अपने आप सुव्यवस्थित हो जाती है। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि परमात्मा से सौभाग्य मांगना, परमात्मा मैं सौभाग्यशाली बनूं। मैं कहता हूं आपको समझ लेना, यदि आप सौभाग्य चाहते हो अपने जीवन में, चाहे पद का सौभाग्य, चाहे यश का सौभाग्य, चाहे नामना का सौभाग्य, चाहे धन का सौभाग्य, चाहे परिवार के प्रेम का सौभाग्य, यदि आप चाहते हो कि आपका सौभाग्य अच्छा हो तो समझ लेना अचौर्य का स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में हम बिना पूछे किसी की कोई चीज न छुए, अचौर्य, चोरी के भाव, किसी का लेने के भाव, किसी का लूटने के भाव, किसी के साथ अनीति करने के भाव, जब तक आपके जीवन में है, आपके पास धन होते हुए भी आप चैन से उसको भुगत नहीं पाओगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, यदि आप चाहते हो कि आपका सौभाग्य अच्छा हो, निश्चित तौर पर जीवन में आपको अचौर्य का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप अनीति करते हो, यदि आप गलत मार्ग स्वीकार करते हो, यदि आप किसी का कुछ लूटते हो, किसी का कुछ खाते हो, किसी का कुछ ले लेते हो, किसी का कुछ छीनते हो, निश्चित तौर पर आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि या आपके जीवन का सौभाग्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। चौथी बात करें, आदमी चाहता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, आदमी चाहता है मेरे शब्द अच्छे हो, आदमी चाहता है मेरा सौभाग्य अच्छा हो, और चौथे नंबर में कहते हैं कि आदमी चाहता है मेरा सत्व अच्छा हो, मैं सत्वशाली बनूं। और शास्त्रकार भगवान परमात्मा महावीर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि तू चाहता है कि तेरा सत्व अच्छा हो तो निश्चित तौर पर तुझे ब्रह्मचर्य के रास्ते जाना पड़ेगा। जीवन में
मेरी धर्म पत्नी के अलावा बाकी जितनी भी स्त्री है वो मेरे लिए या तो माता समान है या तो बहन समान है। ये भाव जब आपके भीतर में प्रकट होगा तभी आपके भीतर में एक सत्वता का तेज पुंज प्रकट होगा, वरना जीवन भर आज के लोगों को देखते हैं पता चलता है रूप चेहरे के ऊपर न ओज है न तेज है न सत्व है न पावर है, पता ही नहीं चलता कि क्या जीवन जी रहे। बात करते हैं तो भी सत्व नहीं होता, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो भी सत्व नहीं होता, किसी के सामने जाकर के बैठते हैं तो चेहरा भी निस्तेज होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं समझ लेना, यदि आप चाहते हो कि आपके भीतर तेज हो, आप जो भी काम करे वो पावर से हो, जो भी काम करे उसमें सत्व जरूर पड़ती है, समझ लेना। सत्व से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, सत्व से हमारा जीवन चलता है, और सत्व ही आपके भीतर के उत्साह को पैदा करता है। सत्वशाली बनना बड़ा जरूरी है, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आप चाहते हो कि आप किसी से बात करो उसके भीतर भी एक पावर हो, यदि आप चाहते हो कि आप किसी के सामने बैठो उसके भीतर भी एक पावर हो, सत्वशाली यदि आप बनना चाहते हो तो समझ लेना। शास्त्रकार भगवंतों ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, परमात्मा महावीर का, जैन धर्म का चौथा सिद्धांत, यदि इसको तू पालन कर लेता है तो निश्चित तौर पर तू सत्वशाली बन सकता है। और इसीलिए हमारे यहां लिखा गया परधन पत्थर मानिए पर स्त्री मात समान, बड़ी गजब की बात लिखी। तीसरे और चौथे दोनों का समन्वय इसमें हो जाता है, अचौर्य और ब्रह्मचर्य दोनों का समन्वय इसमें हो जाता है। और इसीलिए यहां पे लिखा गया कि परधन पत्थर मानिए पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसी दास जवान। कहे दो चीज कर लो संसार में, दूसरे का धन मेरे लिए पत्थर है और दूसरी स्त्री मेरे लिए माता है। जिस दिन आपके भीतर में ये भाव जग जाएंगे, तुलसीदास जी कहते हैं, कुलदर्शन मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं कि समझ लेना इतने से यदि आपको हरि परमात्मा भगवान न मिलते हो तो मुझे पकड़ देना। दो चीज यदि आपके जीवन में है, पर धन पत्थर मानिए पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझना, आदमी चाहता है कि मैं सत्वशाली बनो, लेकिन उसको पता नहीं कि सत्वशाली बनने का रास्ता ब्रह्मचर्य के मार्ग से है। और इसीलिए चौथी उपलब्धि, संसार की चौथी अमूल्य चीज जिसके पीछे आप भागते हो वो है सत्व। और सत्व कहां से प्राप्त होगा तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को फॉलो करने से निश्चित तौर पर आपका जीवन सत्वशाली बनेगा। और पांचवी और अंतिम बात, कहा कि आदमी चाहता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरे शब्द अच्छे हो, मेरा सौभाग्य अच्छा हो, मेरा सत्व अच्छा हो, और आदमी पांचवें नंबर में यह चाहता है कि मेरी शांति अच्छी हो। हर एक आदमी संसार का, चाहे धर्म से जुड़ा हुआ हो चाहे धर्म से जुड़ा हुआ न हो, चाहे भगवान को मानता हो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में शांति अच्छी बनी रहे। और शास्त्रकार भगवान परमात्मा महावीर कहते हैं कि समझ लेना यदि शांति का मार्ग तुझे चाहिए, शांति तेरी अच्छी हो, यदि तू चाहता है तो निश्चित तौर पर समझ लेना तुझे अपरिग्रह के मार्ग पर चलना। जितना परिग्रह बढ़ाते जाएगा उतनी अशांति बढ़ती, जितना परिग्रह कम है उतनी शांति तेरे जीवन में रहनी है, समझ लेना। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर हम समझने की कोशिश करें कि संसार की पांच अमूल्य चीजें हम उसके लिए ढूंढते हैं, उसके लिए भटकते हैं, उसके लिए भागते हैं, यहां वहां खोजते हैं। मैं कहता हूं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा महावीर के पांच सिद्धांतों को फॉलो कर लो, जैन धर्म के पांच सिद्धांतों को समझ लो, आपके समझ में आ जाएगा, आपको मार्ग दिख जाएगा, आपको रास्ता पता चल जाएगा कि संसार की पांच अमूल्य चीजें मुझे कहां से प्राप्त हो। और इसलिए हमारे यहां कहा गया कि परिग्रह के भाव छोड़ने बड़े कठिन है। आदमी के भीतर में हमेशा ये भाव जगे रहते हैं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और थोड़ा मिल जाए तो अच्छा, और ज्यादा मिल जाए तो अच्छा, और थोड़ा प्राप्त हो जाए तो अच्छा, और मेरे पास आ जाए तो अच्छा, आदमी हमेशा ये सोचते रहता है। और इसीलिए लिखा गया कि माया मरीन मन मरा मर मर गए शरीर,
क्या शरीर चले जाने के बाद वे भी हमारे परिग्रह के भाव छूटते नहीं, अन्य कोई योनि में जाते हैं, अन्य कोई भाव में जाते हैं, वहां पर भी अब इकट्ठा करते रहते हैं। देख लेना, छोटी सी चींटी के भी यही भाव है, इकट्ठा और कर लो। पशु पंखियों के यही भाव है, और इकट्ठा कर लो। देव योनि में भी यही भाव है, और संपत्ति और धन और स्त्री और देवियां मेरे पास हो। हर एक व्यक्ति हर एक योनि में यही काम करता है, इकट्ठा करने का। लेकिन समझ लेना, जब तक आपके भीतर यह भाव है कि मुझे और इकट्ठा करना है, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। और इसीलिए लिखा कि माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। कहा कि शरीर भी मर गया, लेकिन भीतर की आशा, भीतर की तृष्णा, भीतर के परिग्रह के भाव, भीतर के लोभ के भाव हमारे मरे नहीं। और इसीलिए शायद हम जीवन में शांति की अनुभूति न कर पाए। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं, समझ लेना, जैन धर्म के मुख्य पांच सिद्धांत और संसार की पांच अमूल्य चीजें, दोनों का बड़ा ही कॉम्बिनेशन है, दोनों का बड़ा ही जुड़ाव है। और इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हो स्वास्थ्य अच्छा हो तो अहिंसा का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपके शब्द अच्छे हो तो आपको कहीं ना कहीं सत्य के मार्ग का स्वीकार करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपका सौभाग्य अच्छा हो तो कहीं ना कहीं अचौर्य का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप सत्व अच्छा, आपका सत्व अच्छा हो, आप सत्वशाली हो, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रह्मचर्य का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हो कि आपकी शांति अच्छी हो तो कहीं ना कहीं अपरिग्रह के मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा। जैन धर्म के पांच सिद्धांत आपको दुनिया की पांच अमूल्य चीजें दे सकते हैं। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।